Once again, welcome you all, Lokesh sir, at Lokesh sir Unlimited Study Zone. Okay, so देखिए question अपने पास एक है, यहाँ पे दिया गया है, if we have given a vector a equals to i cap plus j cap plus p k cap and vector b equals to i cap plus j cap plus k cap. हमारे पास दो वेक्टर दिए गए हैं. देन कहा गया है कि वेक्टर a प्लस b इज इक्वल्स टू मॉड वेक्टर a प्लस मॉड वेक्टर b कब होगा. ओके एंड दिस इज होल्स ट्रू फॉर ये होल्स कब ये सही होगा. ओके ये आपको बताना है. तो देखिए कुछ p की वैल्यूज दी गई हैं इसमें, ऑप्शंस में p की वैल्यूज दी गई हैं, तो ये कब होल्ड होगा. तो सॉल्व करते हैं हम लोग. देखिए ये कह रहा है कि इन दोनों का समझो है इसके इक्वल कब होगा. सो a प्लस बी यदि आप करेंगे तो कितना आएगा, मोड ऑफ 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस p प्लस 1k कैप आएगा. ओके इज इक्वल्स टू मॉड वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 एंड अगेन p स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर एंड प्लस अंडर रूट मॉड b है. सो इट विल बी हाउ मच 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब कि रूट 3 हो गया. इसको सॉल्व कर दीजिए, रूट 2i कैप प्लस 2j कैप को 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 प्लस p प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 2 प्लस p स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 3. ओके तो ये हो गया रूट 8 प्लस रूट 8 हो गया ये एंड प्लस p प्लस 1 का होल स्क्वायर रूट 8 प्लस p प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड देन प्लस p प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस p स्क्वायर प्लस रूट ओवर 3. ओके अब देखिए ऑप्शन से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं. अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसका स्क्वायर करूं और इसको सॉल्व करूं देन 100% आप लुट के आ रहे हैं एग्जाम में, वहां पे तो आप खराब हो जाएगा खेल. तो यहाँ पे नोट रहे कि ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं तो ऑप्शंस का सहारा लीजिए. तो चलिए इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कि पी इक्वल्स ऑल रियल वैल्यू ऑफ पी नो रियल वैल्यू ऑफ पी, एक पी इक्वल टू माइनस वन एक पी इक्वल टू प्लस वन है. तो मैं p इक्वल टू प्लस वन रख के जरा टेस्ट करता हूँ कि p इक्वल टू प्लस वन पे क्या आता है. पहले मेरा मन कर रहा है p इक्वल टू प्लस वन पे देखूं, फिर p इक्वल टू माइनस वन पे. दो पे मैं ज्यादा मेरे को श्योर लग रहा है. ओके तो मैं देखता हूँ इसको रख करके p इक्वल टू प्लस वन पे. तो यदि मैं p इक्वल टू प्लस वन रखता हूँ तो ये मेरा लेफ्ट पार्ट हो जाएगा 8 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4g 2 1 प्लस 1 2 और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस p का स्क्वायर मतलब कि 2 प्लस पी प्लस पी की जगह क्या रखा मैंने 1 हाँ तो 2 प्लस 1 का रूट 3 प्लस रूट 3 दैट इज रूट 3. ओके सो ये कितना हो गया अंडर रूट 12 इक्वल्स टू 2 रूट 3. सो जी यहाँ पे कितना आएगा 12 को क्या लिख सकता हूँ 2 रूट 3 होता है 12. तो करेक्ट आंसर इसका पी इक्वल्स टू 1 ही है. ओके तो याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन जैसे एनवीएस केवीएस जेई एनडीए सपोर्ट इस टाइप के एग्जामिनेशन में अगर आप बैठते हैं तो आप नंबर वन शॉर्ट ट्रिक पे विचार कीजिए. क्योंकि अगर आप लॉन्ग ट्रिक पे जाएंगे अपना नॉलेज दिखाने जाएंगे तो वहां जब तक आप एक क्वेश्चन करेंगे तब तक बंदा 4-5 कर चुका होगा तो आपको लॉस हो जाएगा, किसी हालत में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा. तो नंबर वन स्पीड के लिए इस पे काम करना है कि शॉर्ट ट्रिक पे काम करना. ओके तो शॉर्ट ट्रिक याद रखिएगा, जैसे यहाँ पे मैंने शॉर्ट ट्रिक लगाई है. ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.